जिला परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल ने कहा कि 15वें वित्त आयोग का पैसा आए 15 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पैसे को जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार समय पर पंचायत चुनाव करवाने की बात कह रही है, जबकि पैसा अभी तक जारी नहीं किया गया है जो कि विकास कार्यों पर खर्च होना है। प्रेस वार्ता में विशाल चंबियाल ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में सरकार को पंचायत चुनाव करवाने की जल्दी पड़ी है, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का पैसा न जाने क्यों रोक रखा है, ये भी पहली बार नहीं हुआ है। चंबियाल ने कहा कि जिला परिषद के बजट को पहले ही कम कर दिया गया है, ऐसे में वो राशि भी समय पर न मिलने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि सरकार जिला पार्षदों के पदों को ही समाप्त कर दे। विशाल चंबियाल ने कहा कि पिछली बैठक में कुछ प्रस्ताव आए थे जिन्हें पार्षदों ने ये कहते हुए पारित नहीं किया था कि जब तक 15वें वित्त आयोग का पैसा नहीं आता इन्हें पारित नहीं किया जाएगा। विशाल चंबियाल ने आरोप लगाया कि जिला परिषद चेयरमैन और डीपीओ द्वारा उक्त प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है, जिस पर आयोजित जिला परिषद की बैठक में कुछ पार्षदों ने विरोध जताया है। चंबियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से एक फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि आपके पास 3 हथियार होंगे तो तीसरे का नवीनीकरण नहीं होगा और तीसरा हथियार सरकार के पास जमा करवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए हथियार रखे होते हैं, अब ना तो किसान 2 से अधिक हथियार होने पर ना तो किसी को बेच सकते हैं और ना ही किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं। उन्होंने सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेना चाहिए। विशाल चंबियाल ने कहा कि संक्रमित पाए गए डीसी कांगड़ा जल्द स्वस्थ हों, हमारी यही कामना है। कोरोना संकट के समय डीसी कांगड़ा ने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को टेस्टिंग और बढ़ानी चाहिए। एक तो जी हमारा पीछे कोई 15-20 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने सबने डिसाइड किया था कि आज की जो मीटिंग के जो प्रस्ताव हैं इनको हम पारित नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 दिन पहले हमें लेटर आ जाते हैं कि आपके प्रस्ताव जो हैं पारित कर गए हैं। इसका मैं थोड़ा सा विरोध किया है मैंने और हमारे जिला परिषद मेम्बरों ने, क्योंकि जो हॉल में डिसाइड हो जाती है बात, अगर उसके बावजूद हमारे चेयरमैन और डीपीओ ने अगर उसको पास कर दिया तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रही उसके बाद 15वें वित्त आयोग की बात, जो हमारा 15वें वित्त आयोग का पैसा था जो कि हमें इन्होंने बताया ही नहीं कि वो पैसे आ गए हैं, आज जब हमने इनको पूछा तो इन्होंने बता दिया जी कि 12,31,000 रुपया जो है वो आपका आ चुका है। और अगर वो आ चुका था हमारे पास वैसे समय एक एक दिन जो है कम है, तो इन्हें ये पैसा जो है हमें बताना चाहिए था। सभी जिला परिषद मेंबर को अगर ये बता देते तो हम ये पैसा जो है अपने अपने एरिया में लगा सकते थे समय, हमारे पास वैसे समय बहुत कम है। तो ये एक दो हमारे मुद्दे थे। किसानों की आज एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक पता चला मुझे कि हमारे कुछ किसान मेरे पास आए थे कि हिमाचल प्रदेश में ये जो 3 वेपन अगर किसी के पास है तो उसका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं हो रहा, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इनका कोई गाइडलाइन कोई ऐसी आई है सेंटर से कि अगर आपके पास 3 वेपन है तो तीसरा वेपन जो है आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत बात है। ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को क्यों बोलेंगे कि डिपॉजिट करो? अगर आपने इसका लिए नई और देने हैं वेपन देने हैं तो जिनके पास 3 है उनको रहने दें, नेक्स्ट जो है उनको 3 वेपन ना दें। मैं तो सरकार से श्री जयराम जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सेंटर में ये मुद्दा उठाएं, क्योंकि इससे हजारों किसानों को जो है प्रॉब्लम आएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए ये हमारा, क्योंकि किसान जो है वो अपने फसल को बचाने के लिए या अपनी आत्मरक्षा के लिए या किसी भी तरह की जो है अपने लिए वेपन लेके रखे, अगर वो परमिशन पहले दी थी तो अब उसको आप वापस तो नहीं कर सकते ना, वो किसी दूसरे थर्ड अपने बेटे को दे दे, अपनी वाइफ को दे दे अगर तीसरा वेपन है, या उसको सेल करने की इजाज़त दे दी जाए कि वो 2 वेपन ही रखे, लेकिन उसको उसको कम से कम गवर्नमेंट के हवाले ना किया जाए, ये मेरी सरकार से गुजारिश है।